अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो हम भी जा रहे हैं चोलिस्तान। तो ये है टोबा नसो वाला बडेरा। हम जी पहुंच चुके हैं चोलिस्तान में। भाई जैद भी साथ हैं। तो हम पहुंचे हैं चाचा यार मोहम्मद के पास चोलिस्तान में, टोबा ताजे वाली पर। तो चाचा यार मोहम्मद ने हमें जी दी चूरी, देसी घी से बनी हुई। वहाँ पर ये फ़ज़ाई मंज़र है चोलिस्तानी इलाके का। वहाँ की रिहाइशें इस तरह की हैं। तो हमने अपना कैंप भी लगा लिया है, तो उसका भी फ़ज़ाई मंज़र है। बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये नज़ारा। दोस्तों, चोलिस्तान में खाना पकाना तो लाजमी होता है। स्पेशली जो होता है वहाँ पर छतरा, जो है चोलिस्तानी छतरा, इनका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। तो चाचा यार मोहम्मद ने अपने ज़ेर निगरानी इसको बनवाया। और ये जी भाई यासीन, जो कि बहुत एक्सपर्ट हैं जानवर को बनाने में, गोश्त बनाने में। जी तो बहुत प्यारा माहौल है जी चोलिस्तान का। तो वहाँ पर हम गोश्त बना रहे हैं, तो अभी इसको पकाएंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, देसी छतरा, चोलिस्तानी छतरा। ये जी पक रहा है गोश्त जी। दोस्तों, इसमें ना देसी घी डाला गया है। तो कुछ दोस्तों को शौक होता है इसका शोरमा पीने का, तो वो जो निकाल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी होता है ये। ये एक फ़िज़ाई मंज़र है जी टोबे का, इस पर जानवर भी आ रहे हैं पानी पीने के लिए। बहुत खूबसूरत फ़िज़ाई मंज़र जी। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है जी। तो जायद भाई ने यहाँ पर ऊँट की सवारी भी की, एक मज़ेदार सवारी होती है जी। तो दोस्तों, हम सब दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर चोलिस्तान में बहुत एंजॉय किया। खाना हमारा रेडी हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।